नमस्कार ह्यूमंस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे तिल मावा के लड्डू। देखिए तिल मावा के लड्डू बनाने के लिए किसकी सामग्री की आवश्यकता है, इसमें हमने लिए 500 ग्राम सफ़ेद तिल, 500 ग्राम खोआ और 500 ग्राम इसमें लिए हमने बूरा। इस बूरे को आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 500 ग्राम डालिए, नहीं तो आप कम चाहते हैं तो इसको 400 ग्राम बूरा भी डाल सकते हैं इसमें। ये लड्डू बनाने बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें पहले एक पैन गर्म करना है और इसमें हमें तिल को भूनना है। हम इन सभी तिलों को अच्छे से भून लेंगे। इन्हें हमें मीडियम फ्लेम से कम 10 मिनट तक अच्छे से ब्राउन होने तक भूनना है। ना तो वो ज़्यादा ब्राउन लाल नहीं होने चाहिए, हल्के हल्के से पिंक होने चाहिए। इसमें मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था आपको तिलकुट बनाना, उसमें बताया था तिल को अच्छे से धूप में सुखाकर अच्छे से साफ़ करके फिर आप इसको भूने। और तिल सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, तिल हमें ज़रूर खाने चाहिए। अब वो किसी भी रूप में खाएं, तिलकुट बनाएं, रेवड़ी खाएं, गज्जक खाएं, लड्डू बनाएं, इसके गज्जक भी बनती है, इससे काफ़ी चीज़ें बनती हैं तिल से और ये बहुत जल्दी भी बन जाती हैं। तो आप तिल का प्रयोग ज़रूर कीजिए सर्दी में। इसको चलाते रहिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे और ये लगनी नहीं चाहिए नीचे से, और इसमें चटक चटक की आवाज़ आएगी तो आपको इसकी अलग से सुनहरी सी महक आने लग जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपके तिल भुन चुके हैं। बस हमारे लगभग होने ही वाले हैं 2-3 मिनट हैं इसमें, बिल्कुल स्लो गैस पे भुने हैं आखिरी टाइम में। इतने हम इसको मावा को कद्दूकस कर लेते हैं, चाहे तो आप इसको हाथ से तोड़ लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए। इसको सारा हमें इस तरीके से कद्दूकस करना है। ये देखो हमारा ये पूरा अच्छे से कद्दूकस हो गया है और इस तिल को भी हमारे हो चुके हैं। इन तिलों को हमें एक परात में किसी भी बड़ी प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देना है। इसको ठंडा होने दीजिए। इतने हम इसको इसी पैन में, गर्म पैन में हम खोए को डाल देते हैं, मावा को डाल देते हैं इसको। इसको भी हमें पूरा ब्राउन होने तक भूनना है। धीरे धीरे गैस पे अच्छे से भूनिए इसको। खोए को अच्छे से चलाते रहिए, खोया लगनी नहीं चाहिए नीचे। इसको लाल होने तक अच्छे से भूनना है और ये तिल को ठंडा करने के बाद हमें मिक्सी में पीसना है। इसको हल्का सा दरदरा ही पीसें। खोए को भुनने में 10 से 15 मिनट तक लग जाते हैं। खोए का कच्चा नहीं रहना चाहिए वरना आपके लड्डू ख़राब भी हो सकते हैं। तो खोए को अच्छे से भुनिए बिल्कुल स्लो गैस पे, ताकि ये लगे भी ना, काला भी ना पड़े और एकदम ब्राउन ब्राउन आपका भुन जाए। पकना चाहिए खोआ अच्छे से आपका। हमारा खोआ अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल इसी तरीके से पकाना है हमें। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ये तिल भी हमने पीस लिए हैं इस तरीके से। देखिए थोड़े से इसमें तिल भी दिख रहे हैं और पीस भी गया है अच्छे से। अब इस बूरे को इसमें सारी को मिला देते हैं इसमें और हाथ से इसको मिला लेंगे तिल और बूरे को। इतनी खोआ ठंडी हो रही है मावा, इसको हमें थोड़ा सा ठंडा, हल्का सा ठंडा होते ही जल्दी से मिलाना है क्योंकि लड्डू गरम गरम ही बंधेंगे। तिल और बूरे को हमने मिला लिया है, खोआ भी इसको हम गरम गरम इसमें मिला देते हैं। कितना अच्छा से कलर से बनाइए इसको, जितना चम्मच से मिला सकते हो उतना मिलाइए, इतना ठंडा हो जाएगा। फिर इसको हमें हाथ से करना है क्योंकि गरम गरम है, इसमें हाथ नहीं लगाएं। थोड़ी देर बाद इसको जैसे ही ठंडा होने लगेगा हम इसको हाथ से करेंगे। देखिए थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने लगा है तो इसको जितना हम हाथ से मिला सकते हैं उतना ही अच्छे हाथ से इसको क्रश करते रहिए ऐसे ऐसे आटे की तरह। उसके बाद हम धीरे धीरे इसको गर्म गर्म में ही लड्डू बांधना शुरू करेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इसको लड्डू बांधेंगे, थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिए ऐसे, इसको हाथ से बांधिए, दोनों हाथ से ऐसे लड्डू को इस तरीके से हमें बांधना है इसको। फिर देखिए इससे गोल इस साइज़ के लड्डू बन जाएंगे। इसको हल्का हल्का ऐसे करिए इसमें, ताकि गोल भी हो जाए और इसमें हल्की हल्की चिकनाहट ऊपर आ जाए। इस तरीके से हर लड्डू को बना के यहाँ रख लेंगे। ऐसे ही लेते लीजिए जैसे भी आपको जितना भी साइज चाहिए, और इसको दोनों हाथों से ऐसे करते हुए हल्का हल्का बाइंड कीजिए। अच्छे से बन जाएंगे लड्डू, थोड़ा टाइम लगता है इसको बनने में लेकिन ये बन जाएंगे बहुत अच्छे से। देखिए थोड़े बना बना के रख लीजिए। इसमें मैंने इसको प्लेन लड्डू बनाए हैं, आप चाहें तो इसमें कोई भी अपना मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं।
बच्चों को ड्राई फ्रूट कई बार पसंद नहीं होता तो आप पीस के भी डाल सकते हैं इसको, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से बनाइए। सभी लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं, देखो ये हमारे हो गए 1.5 किलो के लड्डू। 1.5 किलो सामान था हमारा, तो 1.5 किलो ही लड्डू बन गए हैं आपके। बहुत ही कम लागत आती है इसमें, बहुत इस आसानी से बन जाते हैं। तो आप घर का मीठा बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और अगर एक पते के बाद अगर आपको ये लड्डू नहीं बनते हैं, ये गर्म गर्म में बांधने होते हैं, किसी रीजन से आपका पेस्ट ठंडा हो जाता है, तो उसको हल्का सा आप निवाया करके दोबारा से उसको गर्म कर ले, निवाया निवाया फिर उसके लड्डू बांधिए, क्योंकि लड्डू गर्म में ही बांधने, ठंडे के लड्डू बिल्कुल नहीं बनेंगे। इसलिए आप इस रेसिपी को बनाकर देख कीजिए और अपने अनुभव को मीनूज किचन में शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।